झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से ही लोग उत्साह के साथ मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा इस लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस की ओर से सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। अपने मताधिकार का प्रयोग करने आई मतदाता ने अपने विचार साझा किए। और झुंझुनू से और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विजय चौहान हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। जी जी, लोकतंत्र के इस महापर्व को शुरू हुए करीबन 7 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, झुंझुनू में मतदान को लेकर क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? जी जी झुंझुनू में 1 बजे तक 29.67% मतदान हो चुका है और जिला निर्वाचन विभाग द्वारा नित्य नए नवाचार किए गए हैं, जिसके कारण लोगों में सुबह बहुत उत्साह था। महिलाएं, युवा एवं बुजुर्ग सभी कतार बांधे खड़े थे। दोपहर 1 बजे बाद धूप तेज होने के कारण मतदान का प्रतिशत कुछ कम हुआ है। जी जी राजेंद्र, जो निर्वाचन विभाग ने जो नवाचार किए हैं, अब तक उन नवाचारों को कितना कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है? जी राजेंद्र, ये जो नित्य नवाचार किए गए हैं स्वीप कार्यक्रम के तहत, कभी रैलियां निकाली गई, कभी नए बूथ बनाए गए हैं। भड़ुंगा तला में एक सैनिक बूथ बनाया गया है, यहाँ जेबी शाह गर्ल्स कॉलेज में एक ग्रीन बूथ बनाया गया है, जिसके कारण लोगों में सेल्फी लेने का भी ऐसा लगता है कि उत्साह नजर आने के कारण वोट देने ज्यादा आ रहे हैं। जी जी राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जानकारी साझा करने के लिए।